हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं। वो नेता नौवीं फेल है और वो चाइनीज कह रहा है किसी मुख्यमंत्री। क्या सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है क्या तेजस्वी यादव में? सैम पित्रोदा ने भी कहा था नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और इस तरह का खुश मतलब खबरों में रहकर में बना रहना चाहते हैं। और हमने कल भी ट्वीट किया था, ये योगी जी के चाइनीज रेप्लिका है। ये चाहते हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है माहौल जो है बिगड़े। वहाँ योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, यहाँ नवाज जो है बंद करवाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, देश जो है सबों का देश है, अमन चैन शांति होनी चाहिए, लेकिन ये लोग केवल नफ़रत फैला रहे हैं। यहाँ बिहार में भी एक MLA या मंत्री कूद कूद करके बोल रहे थे कि मुसलमानों का हम जो है वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। हम उसको ठंडा किए, तब से बोला नहीं है कोई। अब ये हम लोगों के रहते हुए कोई भी उनके अधिकार या सम्मान की बात आएगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मैं असम विधानसभा के अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक देश एक कानून के तहत विधानसभा को स्थगित न करते हुए अबाध रूप से सब दिन चले। सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने जो किया, मैं वहाँ के अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा, वहाँ के सरकार, वहाँ के मुखिया हेमंत बिश्व शर्मा को भी धन्यवाद दूंगा। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा जो है वो टारगेट कर रखी है मुस्लिमों को इस तरह का। देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे, मैं जानता हूँ। अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने की? हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है, तो हमें हर दिन अलग अलग छुट्टियां दे? ये नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है, समाज और देश चलता है व्यवहार और एक राष्ट्र एक कानून के। आर जे डी के आप जिस आदमी को कह रहे हैं उसको आप नेता तक बोल रहे हैं, वो नेता नहीं है, वो पिता द्वारा प्रमोटेड नेता है, एक परिवार के हैं वारिस जिसको नेता लोगों ने बना दिया है। उनकी बुद्धि, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था इतनी नहीं है कि उन पर टिप्पणी भी की जा सके। इस देश में जहां साक्षरता दर आज की तारीख में 71% पहुंच गई है और संपन्न परिवार का व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट बनता है, ऐसे समय में वो नेता नौवीं फेल है और वो चाइनीज कह रहा है किसी मुख्यमंत्री को, तो उसकी मानसिक अवस्था का हिसाब किताब आप लोग लगा सकते हैं। अक्ल जितनी हो उतनी बात करनी चाहिए। संविधान का सा नहीं पता है, संविधान संविधान करते रहते हैं। किस संविधान में लिखा है कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दे दो? हमारे संविधान में लिखा है?
मुस्लिम लीग का ये फैसला अगर किसी मुख्यमंत्री ने बदला तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक काम कीजिए ना, इनके हिसाब से चलिए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिजर्व बैंक हर जगह लगा दीजिए, लोकसभा में भी ले आइए प्राइवेट मेंबर बिल, पारित करवाइए कि जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए। पागल हो गए ये लोग, देश को पागल कर देंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा चाइनीज है, चाइनीज वर्जन है, क्योंकि वो असम में पैदा हुए तो आप उनको चाइनीज कहेंगे। क्या सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है क्या तेजस्वी यादव में? सैम पित्रोदा ने भी कहा था नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज, दक्षिण के लोग अफ्रीकन, और उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देते हुए फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया। मतलब ये इंडी अलायंस का ही चरित्र है, संविधान का ना करो सम्मान, नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर व्यक्ति का करो अपमान, और नफरत के ये भाईजान, ये नफरती और नस्लभेदी टिप्पणी है। और राहुल गांधी ने तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 नॉर्थ ईस्ट से शुरू की थी ना, तो अब बताइए ये भारत जोड़ने वाली कमेंट है क्या, ये संविधान के साथ वाली कमेंट है क्या, ये उदारवादी कमेंट है? गौरव गोगोई जी भी बताए, कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट के नेता भी बताए कि क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहेंगे, पर कांग्रेस के नेता क्या बताएंगे? कांग्रेस के नेता तो वो है जिन्होंने 60 से 70 के दशक में बम गिराए थे नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, असम को तो हटा ही दिया था राहुल गांधी ने अपने मैप से। तो आज जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है वो न केवल मुख्यमंत्री की अपमान की टिप्पणी है, बल्कि पूरे असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे भारतवर्ष को अपमानित करने वाली टिप्पणी है। इस पर राहुल गांधी, गौरव गोगोई बताए कि तेजस्वी यादव से, आरजेडी से कब वो रिश्ता तोड़ेंगे, कब इंडिया अलायंस इनसे अलग होगा।